हाय डियरो, आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिया को इस गेम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप सभी जानते हो ये लव गेम है। इस गेम में लव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा जाता है। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए देख लेते हैं। आइए जानते हैं आपका सच्चा प्यार किस मोड़ पर आपका इंतज़ार कर रहा है, या फिर वो इंतज़ार खत्म हो चुका है। कहने का मतलब है, या फिर सच्चा प्यार आपको मिल चुका है। चलिए जान लेते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है लव से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे अपना सवाल भेज सकते हो। सवाल अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर से लेके आएंगे। लेट्स स्टार्ट। चूज वन फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर लिस्ट आप लोगों के सामने आ रही है। आप जल्दी से इसमें से किसी एक फ्लावर को चूज कर लीजिए, ध्यान से देखकर। आई होप आपने अपना फ्लावर चुन लिया होगा। चलिए, जो भी आपने फ्लावर चूज किया है उसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसी पे जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। आर यू रेडी गाइज? चलिए देख लेते हैं आंसर। जिसने भी चूज किया है इस फ्लावर को, आंसर क्लियर करते हैं। इस फ्लावर पे आंसर है, जो आपको इस समय प्यार कर रहा है वो आपको सच्चा प्यार करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आंसर समझ आया दोस्तों? इस फ्लावर का आंसर क्लियर कर लेते हैं। जिस जगह से बात चल रही है आपके रिश्ते की, वही सच्चा प्यार है आपका, यानी उसी के साथ शादी के चांसेस ज्यादा हैं। इस फ्लावर का आंसर क्लियर करेंगे। इस फ्लावर पे आंसर है, आज का प्यार सच्चा तो है आपका, लेकिन लाइफ पार्टनर बनेगा इसके चांस 50-50 हैं। कहने का मतलब है, अगर एक साल तक आप दोनों के बीच में अनबन ना हुई, कोई झगड़ा ना हुआ बड़ा, ठीक है, तो आप दोनों लाइफ पार्टनर जरूर बनोगे। इस फ्लावर का आंसर है, पार्टी में आपको वो मिलेगा। तो अभी आपका इंतजार खत्म नहीं हुआ है, आपको किसी पार्टी में वो बंदा मिलेगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे है, फॉलो कीजिए। फटाफट से आप मुझे अपना प्यार दीजिए। चलिए लास्ट वाला आंसर क्लियर कर लेते हैं। इस फ्लावर का आंसर है आपके लिए, आपकी पड़ोसी का वो रिलेटिव होगा। ध्यान से देखिएगा, आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके पड़ोसी, मतलब आपके पड़ोसी का रिलेटिव होगा वो। ठीक है, हिंट दे दी, आइडिया लगा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।